दोस्तों, केआरके ने कल एक ट्वीट किया था जिसमें ये बात कही थी कि बॉलीवुड से सलमान खान के खिलाफ लड़ने के लिए जो मुझे समर्थन मिल रहा है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, बहुत ही अद्भुत है। बॉलीवुड से लगभग 20 कलाकारों ने केआरके को समर्थन किया है, ऐसा केआरके का दावा है। तो इसी दावे में केआरके ने एक ऐसी बात कह दी है जो सभी के लिए शॉकिंग है। केआरके को देखो, बॉलीवुड के कलाकारों ने ये कहा कि जो काम हम इतने सालों में नहीं कर पाए, क्योंकि हमें एक डर था कि सलमान खान के चलते हमारा करियर बर्बाद हो जाएगा, हम ये बात उठा नहीं सके, लेकिन तुमने हमारे लिए ये आवाज उठाई है, इसके लिए हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। तो इसी दौरान केआरके ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा, गोविंदा भाई थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, मैं आपको निराश नहीं करूं। अब यहाँ पर एक बात क्लियर नहीं है कि केआरके किस गोविंदा के बारे में बात करें, उस गोविंदा के बारे में जिसे हम जानते हैं या कोई और गोविंदा है जिसके बारे में केआरके बात कर रहे हैं। क्योंकि जिस गोविंदा के बारे में अगर बात कर रहे हैं, यानी कि असली वाले हीरो गोविंदा, तो उन्हें टैग करना चाहिए था, केआरके ने काम नहीं किया। या फिर ऐसी बात तो नहीं है कि केआरके अपना बंदूक किसी और के कंधे पर रखकर अपना मकसद साधने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि उस गोविंदा की बात कर रहे हो तो उस गोविंदा को टैग करना चाहिए था, जो कि काम केआरके ने नहीं किया है। और यहां तक कि केआरके ने अब अपना अकाउंट भी लॉक कर दिया है। देखिए, एक बात तो सभी को पता है कि सलमान खान और गोविंदा एक समय बहुत ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन किसी कारण के चलते दोनों के बीच दुश्मनी आ गई, फिर दोस्ती हुई, लेकिन वो पहले जैसी बात नहीं रही। अब लोग यही सवाल केआरके से पूछ रहे हैं कि भाई, जिस गोविंदा के बारे में बात कर रहा है उसे तो टैग कर, वरना कल को वो गोविंदा केस करेगा तुम्हारे ऊपर, तो तुम कितने केस को संभालोगे? कल को यही बोल दोगे कि मैं इस गोविंदा के बारे में बात नहीं कर रहा था, मतलब चिढ़ भी तुम्हारी और पट भी तुम्हारी। अब देखिये, केआरके के ऊपर तो मैं पूरा भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये बात भी सच है कि जब तक सुशांत सिंह राजपूत जिंदा थे तब तक केआरके ने सुशांत सिंह राजपूत को हमेशा ही टारगेट किया, उनकी फिल्मों को हमेशा खराब बताया, यानी एक तरह से सुशांत सिंह राजपूत का मार्केट खराब करने का काम कर रहे थे। लेकिन जब से सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई है, तब से सुशांत सिंह राजपूत के समर्थन में ही पोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके ये वीडियोस बनाते हुए नजर आ रहे हैं और बॉलीवुड वालों से लोहा लेते हुए नजर आ रहे हैं। केआरके ने अपना अकाउंट लॉक शायद इस वजह से भी किया है कि जिन लोगों को उनका ट्वीट देखना होगा वो लोग उन्हें फॉलो करें, तो देख सकते हैं इस बहाने वो अपना फॉलोअर्स बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। तो केआरके सच कितने हैं ये तो भगवान ही जानता होगा, लेकिन केआरके और सलमान खान के बीच की जो लड़ाई है, केआरके उसमें हर तरीके से राजनीतिक पहलू अपनाकर सलमान खान को टारगेट किए जा रहे हैं, जो शायद सलमान खान के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द हो। वैसे सलमान खान के समर्थन में भी बहुत सारे लोग धीरे धीरे खुलकर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो देखना यही है कि दोनों के बीच की लड़ाई कहां तक जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट करें, तब तक देखते रहे आपकी बात मुकेश के साथ।